लोजपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता रखी गई और उसमें प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान को हमने इन बातों से अवगत कराया है। बैठक ये थे, ये जो हम लोग जो मांग रखे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के यहाँ, जिसमें प्रमुखता था गोंदा समाज का, जो 7 लाख की आबादी है, जो जमशेदपुर में जिनको पहचान पत्र वगैरह में परेशानी आ रही है, इनको अनुसूचित वगैरह में जो जाति में अब तक नहीं हो पाए हैं लंबे वर्षों से, फिर अपना घटवाल समाज जो कि 32-32 लाख की आबादी है, उनके लिए भी हम लोग बहुत प्रयास किए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से पहल करवाई है, सीएम महोदय को, यहाँ जो मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री साहब के यहाँ, उस पर भी कार्रवाई करने के लिए उन्होंने बहुत गंभीरतापूर्वक ये किया कार्रवाई किया है। और साथ में जो अनुबंध पदाधिकारी हैं उनके लिए हम लोगों ने मांग रखी थी, बहुत चिंतित थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। और जैसे शिक्षक का तो कल आप लोग देखेंगे, आप लोगों के माध्यम से कल प्रकाशित हुआ है, उनका भी हम लोग कल दिए थे आप लोगों के माध्यम से। और आज जो है अनुबंध पदाधिकारी में जैसे मनरेगा कर्मी वगैरह हैं और भी जो रसोईया वगैरह हैं जो भी हैं, इनका समस्या जो जेन्युइन समस्या है, जो जेन्युइन अन्य राज्यों में मिल रहा है, वो हम लोग का कहना है कि वो मिलना चाहिए, इन लोगों को दिया जाए, इन लोगों का अधिकार है, मिलना चाहिए, जिसके लिए हम लोग संकल्पित लोक जनशक्ति पार्टी इनके साथ खड़ी है और निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हमारा बोल भी चुके हैं, बात भी कर चुके हैं, पत्र भी उन्होंने लिखा है, आशा करते हैं कि बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई हो जाएगी। बिल्कुल, पार्टी बहुत मजबूती से एनडीए के साथ खड़ी है और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व का जो है जो भी आदेश होगा उसको हम लोग पालन करेंगे। हम लोग पूरे प्रदेश में संगठन पंचायत स्तर तक बहुत स्ट्रांग हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में खड़ा कर चुके हैं। कितने सीटों पर लड़ेंगे लोजपा? तो अभी हम सीट का डिसाइड नहीं कर, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का जो आदेश होगा, जो राष्ट्रीय नेतृत्व जो करेगा वो हम लोग करेंगे, लेकिन विधानसभा में हमारा यही कारण था कि यहाँ से हमारी भागीदारी होनी चाहिए। अगर भागीदारी नहीं होती तो निश्चित रूप से जो लोगों के मन में जो उत्साह है वो कमी आएगी, इसके लिए उस पर जो एनडीए को सोचना चाहिए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को हम लोग स्वागत कराएंगे, अवगत कराए भी हैं हम लोग कि हम लोग प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए लोकसभा में, जिसका जो है हो सकता है कि हमारे लोगों को मनोबल ना गिरे, इसीलिए हम लोगों ने वहां भी सूचित किया है। इस अवसर पर गोंड समाज के लोगों के साथ साथ कई और लोगों ने भी लोजपा की सदस्यता ली तथा महिलाओं ने भी सदस्यता ली। साथ में है।